सलमान खान अपने फैंस को अपनी नई नई फिल्मों से सरप्राइज देते ही रहते हैं। सलमान खान ने हाल ही में फिल्म भारत की शूटिंग खत्म की है और हाल ही में उन्होंने दबंग 3 की शूटिंग भी शुरू की है, जिसकी कई पिक्चर्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। और इन पिक्चर्स को देखकर सलमान के फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। सलमान अपने फैंस को हर तरह से एंटरटेन करते हैं, कभी अपनी फिल्मों से हंसाते हैं तो कभी इमोशनल कर देते हैं। और अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक सलमान अब अपने फैंस को डराने की तैयारी में हैं। जी हां, सलमान खान अब एक हॉरर फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा आदमखोर। क्यों हो गए ना हैरान? लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान इस फिल्म में एक्टिंग नहीं करने वाले, बल्कि वो इस फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के नाम आदमखोर को हाल ही में रजिस्टर करवाया गया है। इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के साथ इस फिल्म का टाइटल रजिस्टर हुआ है। हालांकि इस फिल्म की स्टार कास्ट कौन होगी, इस बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। और देखने वाली बात होगी कि सलमान अपनी इस फिल्म के लिए किसी जाने माने चेहरे को मौका देते हैं या फिर वो आदमखोर के लिए नई स्टार कास्ट को चुनते हैं, क्योंकि सलमान आए दिन नए चेहरों को बॉलीवुड में लॉन्च करते ही रहते हैं। ऐसे में इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है। वैसे सलमान की इस साल रिलीज होने वाली फिल्म भारत की बात की जाए तो आलिया भट्ट जफर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 जून 2019 को रिलीज होने वाली है, जिसमें सलमान और कैटरीना मेन लीड में नजर आएंगे। और अब भारत और दबंग के बाद सलमान की ये आदमखोर फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट का बढ़ना तो लाजमी ही है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।